टॉप 40 जीके क्वेश्चन के साथ हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पर। प्रश्न संख्या एक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस पूछा है? विश्व पर्यावरण दिवस पूछा है दोस्तों, ये दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करता है? ध्यान रख लेना, भारत में दोस्तों राष्ट्रपति का पूछा है, क्या पूछा है? त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है? सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना किसी भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? दोस्तों क्या है, भारत में पूछा है किसकी स्वीकृति पर सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता, कोई बिना पूछा, ये भी देखो बिना किसी कोई बिना, ठीक है? तो दोस्तों किस संसद कहे तो ही भारत का सरकारी खर्च करेगा, वरना नहीं कर सकता। अगला सवाल है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य सब जोड़े गए हैं? सही जवाब रहेगा 1974 में दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला सवाल आपके लिए बनता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या क्या है? क्या पूछा है? अनुच्छेदों की संख्या पूछा है, वर्तमान में है दोस्तों 445। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है? सही जवाब होगा भाग 3 के भीतर। अगला सवाल है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र और गोवा, दोनों में दोस्तों एक साझा उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब इसे समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया है। अगला सवाल है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? सही जवाब होगा कोई लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। अगला सवाल है, 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दोस्तों कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मूल अधिकारों के भीतर। अगला सवाल है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भारत के किस व्यक्ति को जाना जाता है? सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी को। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? सही जवाब रहेगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के कारण। अगला सवाल देखो, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णन है? भाग संख्या 3 में। अगला सवाल देख लेते हैं, कांग्रेस के संस्थापक कौन है दोस्तों? सही जवाब रहेगा कांग्रेस के संस्थापक AO ह्यूम से हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते समय भारत के समय राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब होगा डॉक्टर SRadhakrishnanam थे राष्ट्रपति, जिसके समय में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है, उच्च अच्छे मार्ग में बाधा ही बाधा है, बाधाओं की बाधा है, ये कथन किसका है? क्या पूछा है? राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है दोस्तों, ये शब्द का था TH ग्रीक ने। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद का प्रथम बैठक हुई थी, भारतीय संविधान में दोस्तों निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1944 को। अगला सवाल है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी ने, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ लिया था? चंपारण, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो WC बनर्जी, कांग्रेस का नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछा है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? सही जवाब होगा
अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? क्या पूछा है? भारतीय सेनाओं का पूछा है, सर्वोच्च सेनापति पूछा है, कौन है? राष्ट्रपति। अगला सवाल देख लेते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति दी थी? भारतीय संविधान बन गया तो उसकी स्वीकृति कब दी थी संविधान सभा ने? 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? संविधान सभा द्वारा इनका जो चुनाव किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी पूछा है दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक, तीन चीज पूछी है, ध्यान रख लेना। विश्व का पूछा है सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों हमारे देश भारत का है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? दोस्तों भारत का संविधान बनने में समय पूछा है तो सही जवाब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का दोस्तों क्या पूछा है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सही जवाब रहेगा दिल्ली में। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया है? राज्य के दोस्तों क्या नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान के किस आधार पर हैं? आयरलैंड संविधान के कहने पर हैं, ठीक है, आयरलैंड देश से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। राजनीतिक शब्द में शून्यकाल का क्या अर्थ है? किस काल का? शून्यकाल का राजनीतिक शब्दावली में क्या अर्थ है दोस्तों? प्रश्न उत्तर का एक सत्र होता है जो लोकसभा राज्यसभा के संसद में होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब होता है शून्यकाल, जिसमें प्रश्न और उत्तर का सत्र माना जाता है, सवाल जवाब दिए जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के बैठक का सभापति तो कौन होता है? सही जवाब आपके लिए होगा उपराष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होता है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका कब उत्तरदायी तो होती है? लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसकी सहायता पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? सही जवाब होगा प्रधानमंत्री के कहने पर। अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का कौन सभापति कौन है? सही जवाब रहेगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं, यह कथन किसका है? यहाँ कथन क्या है? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, ये कथन लॉक ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? हैंग, जो नीदरलैंड में स्थित है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होता है। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? क्या संवैधानिक कौन सा संशोधन अधिनियम भी पूछा है जिसमें गोवा राज्य को दर्जा दिया गया? 56वां संविधान संशोधन के तहत। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो राज करो ये नीति किसने अपनाई थी? ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन, जो भारत में जो राज करते थे, ब्रिटेन का था, जिसने फूट डालो राज करो नीति के तहत भारत पर आधिपत्य बनाए रखा था, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के भीतर फूट डालकर राज किया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट और फॉलो भी साथ में कर लेना है, और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करवाने की कोशिश करें ताकि 1K सब्सक्राइब होने पर लाइव लेसन भी शुरू कर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।